Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Unacademy. We will wait ki kuch log join kar le. 1 minute. Jaise log join karte hain, kafi log join kar chuke hain. Just wait. एक्चुअली मुझे आपके कमेंट्स गुड इवनिंग एवरीवन, मुझे आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. देयर इज सम प्रॉब्लम. सो वेलकम टू अनअकैडमी. और अनअकैडमी पर इस तरह के स्पेशल क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग टैब के ऊपर अपने लर्निंग टैब के प्लस टैब के अंदर आप जाएंगे. वहां पर आपको जो है रोज दोपहर 12 से डेढ़ के बीच में बिटवीन 12 to 1:30 जो है आपको इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे. तो 12 से डेढ़ के बीच में वहां पर आप जाके रजिस्टर्ड करना मत भूलिएगा. MPPSC, UPSC, SSC डिफरेंट एग्जाम जो हैं, अगर आप हो सकता है MPPSC के अलावा किसी और भी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो तो वहां पर जो है आपको वो कोर्सेज जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशन आप वहां पर जाके कर सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर 12 से डेढ़ के बीच में. ठीक है, मोबाइल मांग रहा हूं यार. ठीक है, 12 जाके रजिस्टर कर सकते हैं. आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट, कि अभी आपका कमेंट मुझे नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, तो आई एम अनेबल टू आंसर योर क्वेश्चन. अगर आप कुछ कमेंट भी यहाँ पर लिख रहे होंगे तो मैं उसका आंसर आपको नहीं कर पाऊंगा अभी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. टुडेज टॉपिक इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो किस तरीके से हमारा पूरा संविधान है या पूरा हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड. तो वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 के अंदर बन के तैयार हुआ, लेकिन उसके बैकड्रॉप के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी बैकग्राउंड के अंदर चीजें थी जिनके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो अभी जो हम देखते हैं वो डेवलप हो पाया. तो उसका जो डेवलपमेंट का जो पूरा स्टेज है उसकी हम बात करेंगे. इट्स नॉट एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल चीजें ऐसी थी जिसके कारण हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने यहाँ पर उसको फ्रेम किया. और मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही था जो ब्रिटिशर्स द्वारा तैयार किया गया था. पूरा जो सिस्टम है, ऑलमोस्ट सिस्टम, हमने वही जो है हमारे यहाँ पर अप्लाई किया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपके MPPSC के मेंस के पेपर 2 के पार्ट ए के टॉपिक 1 के लिए और प्री के सिलेबस के टॉपिक नंबर 5 के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है. तो अभी देखो ये जो टॉपिक है ये आपको हिस्ट्री के अंदर भी काम आएगा, उसके साथ ही हिस्ट्री के साथ में जो पॉलिटी है पॉलिटी के अंदर भी काम आएगा. दोनों सब्जेक्ट जो है, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपका जो टॉपिक है ये यहाँ पे काम आ सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो है हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच इट्स पीपल आर टू बी गवर्न. ठीक, किसी भी देश के अंदर जो है लोगों को कैसे उनको मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से एडमिनिस्टर्ड किया जाए या उनको किस तरीके से गवर्न किया जाए, उसके जो रूल्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका संविधान होता है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले जो एक्ट आया हुआ है 1773, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड यहाँ पर दिखा देता हूँ. ठीक है, तभी यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का अटैक, ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं. और बिजनेस करने के लिए जब आते हैं ब्रिटिशर्स, तो अभी यहाँ पर वो धीरे धीरे अपना जो ट्रेड के लिए जो बेनिफिट्स हैं, ट्रेड के लिए जो बेनिफिट्स मांगते हैं कि अभी आप उनको जो है वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज चाहिए, फ्री ट्रेड की फैसिलिटीज चाहिए. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं के साथ में उस तरह की जो चीज़ें हैं वो मांगते हैं, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो फारूक शियार हो, या फिर वो जहांगीर हो, ठीक है, शाहजहां हो. ठीक है, उनके समय उनको हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पर बेनिफिट जो है वहाँ पर मिलते रहे फ्री ट्रेड के, जिसको हम दस्तक कहा करते उस समय पे. तो दस्तक उनको वहाँ पर मिलती रही जिसके अंदर वो फ्री ट्रेड यहाँ पर करते रहे. ठीक है, तो उसके साथ में भी धीरे धीरे यहाँ पर कई बैटल्स होती है. बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है. ठीक है, अभी इन बैटल्स के बाद क्या होता है कि अभी ब्रिटिश का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, कि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिन एरियाज को उन्होंने वहां पर अपने अंडर कर लिया. बंगाल का पूरा जो एरिया है उन्होंने प्लासी के वॉर के बाद बंगाल और उसके आसपास का पूरा जो एरिया था वो अपने कैप्चर के अंदर ले लिया यहाँ पर. ठीक है, तो अभी नाउ आई एम गेटिंग योर कमेंट. अभी आपके कमेंट में मोबाइल में पढ़ सकता हूँ. ओके, सो ओके,
ओके, कुछ नहीं हुआ कार्तिक, बस मोबाइल नहीं मिल रहा था और अब मिल चुका है, ठीक है। तो कमेंट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है काफी बड़ा एरिया उन्होंने यहाँ पर गेन कर लिया। अब इस पूरे एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करना सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती, तो क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक सिंपल सा एक कमर्शियल कंपनी थी जिसका स्लाइड वगैरह तो शो हो रही है, वो स्लाइड वगैरह तो ठीक है और नेटवर्क भी ठीक है, देयर इज नो इशू, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लो तो स्लाइड शो हो जाएगी आपको, ठीक है। रिफ्रेश कर लो एक बार या फिर से जो है लॉगिन कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। आस्था दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ अभी रोशन एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो, ओके। सो वहां पर हम देखेंगे कि उसके बैकड्रॉप के अंदर जो है वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करने के लिए अभी यहाँ पर जो है उनको कई कानून वगैरह की जरूरत होती थी। तभी देखो क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह जब या वॉरेन हेस्टिंग जो थे उस समय पे, तो वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर पूरे एरिया को कैप्चर वगैरह करवाया। रॉबर्ट क्लाइव का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1765 से लेके यहाँ पर 1772 तक, 1772 तक जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश होती है। ड्यूअल गवर्नमेंट इस तरीके से कि जो राजा है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलाएगा, मतलब उसको ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, लेकिन अभी उसके बैकग्राउंड में ये होगा कि ब्रिटिशर्स वहाँ पर टैक्स वगैरह कलेक्शन जो वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाएगा। तो पैसा अभी वो ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी उसके बदले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजा द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हेल्प से। तो ये पूरा जो सिस्टम, इट्स कॉल्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो यहाँ पर चलाया गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा गया कि एक बॉडी बनाई गई, इट्स कॉल्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पर करती थी, और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था, ये दो बॉडी थी, ये यहाँ पर बेसिकली जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर मैनेज करने का काम करती थी। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट की मैंने बात की, जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर एस्टैब्लिश किया गया, अभी 1765 तक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एस्टैब्लिश कर दिया, एंड ही बैक टू इंग्लैंड अगेन वापस चला जाता है। तभी यहाँ पर एक ड्यूअल गवर्नमेंट द्वैध शासन यहाँ पर एस्टैब्लिश करके जाता है, और उसके बाद जो है अभी समस्या ये आती है कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुआ वहाँ पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अभी हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है वो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। उसके लिए पहली बार जो एक एक्ट है वो एक्ट जो है यहाँ पर लेके आया, और उस एक्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है इट्स जो एक्ट है, इट्स कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ, इट्स कॉल्ड द चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पे क्या बोला, रेगुलेटिंग एक्ट, जो यहाँ के अफेयर्स हैं उन अफेयर्स को जो है वहाँ पर मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून है ये कानून यहाँ पर बनाया गया है। तो उसके अंदर उस समय एज यू नो कि तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है, फर्स्ट इज द बॉम्बे, सेकेंड इज द कैलकटा एंड थर्ड इज द मद्रास, ठीक है। तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी जिसके अंदर जो कलकत्ता आपका प्रेसिडेंसी था वो मेन प्रेसिडेंसी था, क्योंकि स्टार्टिंग से जो कलकत्ता की तरफ रुझान ब्रिटिशर्स का ज्यादा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने पूरा बंगाल से स्टार्ट किया, तभी कलकत्ता उनका जो मेन वहां पर मोटिव हुआ करता था। तो उनका कैपिटल भी कहाँ हुआ करता था, कलकत्ता के अंदर। तो वहां पर जो तीनों स्टेट, जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, तीनों अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर जो है अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, 1773 का जब एक्ट आया तो यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल प्रोविंस का गवर्नर था, या क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और उसके बाद जो दोनों प्रेसिडेंसीज है उसको उसके अंदर यहाँ पर ला दिया। ही वाज द फर्स्ट वन, द वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय पे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इस तरीके से पहली बार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल अभी अकेला काम तो करेगा नहीं, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं करते, उनके साथ में जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, सिर्फ उनके साथ में एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई चार मेंबर की। अभी चार मेंबर की जो काउंसिल थी उसका काम होता था कि उसको असिस्ट करना, उसकी सहायता करना, जो भी मैटर्स हैं उसके, जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग के अंदर उसकी हेल्प करना। तो चार मेंबर का यहाँ पर एक काउंसिल यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर जो गवर्नर जनरल को एक कास्टिंग वोट का पावर दिया गया। कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे चार मेंबर हैं, अभी दो मेंबर किसी भी एक्ट के सपोर्ट में है, दो मेंबर जो है उसके अपोज में है, तो भी यहाँ पे क्या हो गया, टाई हो गया। तो टाई होने के केस में एक व्यक्ति दूसरा होता है गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का वोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर जनरल अपना वोट डाल के ये डिसाइड करेगा कि अभी सॉरी इनमें से जो है कौन सा किस तरफ आपको जाना है, तो वो एक कास्टिंग वोट या फिर अपना निर्णायक मत जो है यहाँ पर वो देता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके काउंसिल के जो मैच जो है वो कोई वॉर है या पीस है, इन सभी की जो मैटर्स है, इन सभी को मैटर्स को जो है वो इसके द्वारा यहाँ पर तय किया जाता है कि किस तरीके से जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पर इन मैटर्स को यहाँ पर तय करेगा। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे यहाँ एस्टैब्लिश होती है, और उसके बाद जो है मेन जो पावर है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसकी काउंसिल को यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक काउंसिल, इट्स नेम इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
ठीक है, तभी आपको बहुत बार आप बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो ट्राई बेकर वोट नहीं, इट्स नेम इज द क्या हो रहा है यार ये ओके सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो ये टाई ब्रेकर वोट नहीं, इट्स नेम इज द कास्टिंग वोट, उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, टाई ब्रेकर वोट मत बोलो, ठीक है, उसका एक ऑफिशियल नेम है कास्टिंग वोट या फिर निर्णायक मत, ठीक है। तभी यहाँ पर एक बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो भी आप ज्यादातर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ऑलरेडी स्टैब्लिश था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। अभी इनका काम क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसका बेसिकली काम होता था कि जो भी अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं उनको मैनेज करना। तो अभी यहाँ पर 1773 के एक्ट के द्वारा उसके जो काम है यहाँ पर बेसिकली तय किए गए कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर स्टैब्लिश है उसका काम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसके जो पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे उसका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है वो एक साल से बढ़ा के 4 साल यहाँ पर कर दिया गया, तो उनका जो टेन्योर बढ़ा दिया गया। उसके बाद 1/4 ऑफ द मेंबर जो है हर साल वहां पर आपके रिटायर होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, और उसका जो री इलेक्शन है पुनः चुनाव के लिए यहाँ पर जो है वो मान्य नहीं होगा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। अभी ये करता क्या था, ये क्या करता था, जो सिविल मैटर्स हैं, जो मिलिट्री मैटर्स हैं, रेवेन्यू के मैटर्स हैं, इन सभी मैटर्स के ऊपर जो है उनके ऊपर कंट्रोल करता था और उनका डिसीजन वहां पर लेता था, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी उन्होंने कोई टेरिटरी गेन किया तो उसको किस तरीके से मर्ज करना है, क्या ट्रीटी करना है, ये सब जो है पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसके द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाता था। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट बॉडी यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर एस्टैब्लिश यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि उसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा एट द फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम मतलब कैलकाटा के अंदर जो फोर्ट होता था, इट्स नेम इज द फोर्ट विलियम। तो वहां पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जहां पर एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे, तो जो भी रेवेन्यू के मैटर्स या जो भी मैटर्स उन मैटर्स को यहाँ पर इस कोर्ट के अंदर यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है कंपनी के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो सर्वेंट थे, तो वो क्या करते थे कि अभी वो जो लोकल लोग थे उनसे या तो ब्राइब लेते थे, उनसे जो क्या बोलते हैं उधार, मतलब जो भी ब्राइब लेना, मतलब जो करप्शन वगैरह यहाँ पे ये करते थे, और करप्शन करने के कारण यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्री ट्रेड के जो पासेस दिए गए थे, इट्स कॉल्ड द दस्तक, जो दस्तक दिया जाता था, दस्तक मतलब फ्री प्रोसेस कि आपको यहाँ से अगर व्यापार करना है ब्रिटिशर्स को तो अभी उसके लिए जो है कोई टैक्स उनको यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता था। तो यहाँ पे जब दस्तक वगैरह दी जाती थी तो अभी वो कंपनी के लिए दस्तक है, मतलब किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, इसका गलत उपयोग करते थे, वो अपने पर्सनल ट्रेड के लिए इसका उपयोग करते थे। तो यहाँ पर पहली बात तो अभी उनको पर्सनल ट्रेड करने का परमिशन जो है यहाँ से वापस ले लिया गया, और उसके बाद जो है उनको किसी भी इंडियन से किसी भी प्रकार का जो उपहार है, किसी प्रकार का जो गिफ्ट है वो लेने से यहाँ पर उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से गया तो वो कहा जाता है कि 3 से 4 जहाज भर के जो धन सब यहाँ पे हीरा जवाहरात और जो पैसा वगैरह है वो यहाँ से नो टैक्स इन ट्रेड यहाँ से ले गया, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर वहाँ पे केस भी चला कि इसने बहुत ज्यादा करप्शन किया है इंडिया के अंदर एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन बाद में खैर वो बच जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सब चीजें जब होती है तो उसके कारण जो है यहाँ पे पर्सनल ट्रेड के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो है इनको इंडियन के साथ में किसी भी प्रकार का जो पैसा लेने से परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाती, मतलब किसी प्रकार का गिफ्ट वगैरह लेने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाती। तो ये जो मेन प्रोविंस थे वो 1773 के एक्ट के अंदर यहाँ पर आए। तभी यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई, कुछ कोई भी एक्ट बनता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक प्रोविजन इसके अंदर ये था 1773 के अंदर कि हर 20 साल बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी वहां पर उसको चेक किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, और उसके बाद जो उसका टेन्योर आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो भी एक्ट है उसका जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ 20 ईयर्स के लिए है, 73 है तो 93 तक उसको परमिसेबल रहेगा। 20 साल बाद जो है जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की वो तय करेगी कि अभी आगे क्या करना है, ठीक है। 1784 के अंदर कुछ 1773 के एक्ट के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज थी, उनको मैनेज करने के लिए 1784 का जो एक्ट है वो एक्ट यहाँ पर आता है। तभी इसके पहले एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1881 1888 के अंदर एक एक्ट आया था, इट्स कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत जो कुछ मैटर था उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट लाया गया था, लेकिन जो है जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए फिर अल्टीमेटली जो है वो 1784 का जो रेगुलेटिंग जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, इट्स पिट्स द यंगर, तो उनके नाम से जो एक्ट है वो एक्ट वहां पर लाया गया था, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। एक तरीके से जो 1773 का एक्ट है उसके अंदर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट संशोधन यहाँ पर उन्होंने इसके द्वारा
किया गया, ठीक है। अभी उसके लिए क्या किया गया यहाँ पर कि अभी यहाँ पर कंपनी की जो कमर्शियल पावर है और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उनको अलग अलग किया गया, मतलब एक बॉडी और यहाँ पर और बनेगी, एक बॉडी होगी वो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन देखेगी, मतलब व्यापार वगैरह सब कुछ देखेगी, और दूसरी जो बॉडी है उसका पॉलिटिकल फंक्शन, उसके राजनीतिक फंक्शन की किस राज्यों को कब्जा करना है, किस तरह करना है, क्या किस तरह से लोगों को लूटना है, ऑल दैट जो है वो यहाँ पर करेगा, ठीक है। तभी यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था अभी उनको जो है कमर्शियल अफेयर्स दिए गए कि अभी आप जो कमर्शियल अफेयर्स है जो वाणिज्यिक मामले हैं वो आप यहाँ पर देखोगे, और एक नई बॉडी यहाँ पर बनाई गई, द नेम इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी इलेक्ट की गई। तो यहाँ पे प्री में तो जनरली आपसे पूछते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1784, आपको तुरंत आंसर वहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ 1781 क्या रोशन, अरे कुछ क्वेश्चन लिखा करो तो कम से कम पूरा एक्सप्लेन किया करो उसको, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक नया बॉडी यहाँ पर आया, तभी दो बॉडी यहाँ पर हो गई, एक हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है, इतना समझ जाओगे 1781, ओके इट्स ओके, इतना तो चलता है इतने समझदार हो कि हम किस साल में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो बॉडीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई, तो उस तरीके से यहाँ पर जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, जो द्वैत शासन है, वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है कि दो बॉडी और दोनों बॉडी जो है वो चीजों को यहाँ पर मैनेज कर रही है, ठीक है। तो अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, सॉरी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, उसके पास मेनली जो हम देखेंगे कि सिविल और मिलिट्री जो पावर है वो उसको दिया गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको जो कमर्शियल मैटर्स था वो उनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया गया। तो इस तरीके दोनों के जो पावर्स हैं, दोनों के पावर्स यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसके अंदर जो सदस्य थे वो चार से हटा के तीन कर दिए गए, पहले फोर मेंबर्स थे, अब उसको हटा के तीन सदस्य यहाँ पर कर दिया गया। और उसके बाद जो कंपनी की जो टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स ने अभी तक यहाँ पर गेन की थी उसको ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर जो है ब्रिटेन का क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, तभी हम जो है वो ब्रिटिश के पजेशन है, उनके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कि हम उनके अधीन वहां पर हो रहे हैं। तो पहली बार जो वर्ड है यहाँ पर इसके अंदर यूज किया गया। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर जो है वो जो कमर्शियल पावर जो है और उनको यहाँ पर डिवाइड किया गया। उसके बाद आता है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। अभी देखो मैंने क्या बोला था 1773 का जो एक्ट है वो 20 साल के लिए है, तो 20 साल बाद जो है एक नया एक्ट यहाँ पर आया। अभी इसके अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें होती है यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहली बात यहाँ पे कंपनी का जो चार्टर था, चार्टर वहाँ पे 20 ईयर्स के लिए 20 सालों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि जो गवर्नर जनरल है वो ही कैन रिफ्यूज द मेजोरिटी डिसीजन इन द स्पेशल केसेस। अभी देखो क्या होता है कि चार से घटा के यहाँ पे तीन मेंबर्स यहाँ पे कर दिए गए, तो यहाँ पर अगर कोई भी दो मेंबर एक तरफ जाएंगे तो अभी ऑब्वियसली बात एक मेंबर एक तरफ है, तो यहाँ पर जो है वो टाई वाला कंडीशन जो पहले था 1773 के एक्ट में, ये टाई वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो डिसीजन जो है यहाँ पर मेजोरिटी से लिए जाएंगे, लेकिन उसके कारण बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो यहाँ पर एक मेन चीज यहाँ पर लाई गई कि स्पेशल कंडीशन के अंदर जो गवर्नर जनरल जो है वो मेजोरिटी के डिसीजन को रिफ्यूज कर सकता है। कि अभी कोई डिसीजन अगर लग रहा है गवर्नर जनरल को कि ये जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसी के नहीं है, या फिर उससे जो ब्रिटेन है उसको नुकसान होगा या हमको नुकसान होगा, तो वो उसको वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं वीटो कर सकता है, उसको यहाँ पर रोक सकता है। तो ये पावर उसको स्पेशली यहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो कंपनी है उसका रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज करके 10% कर दिया गया कि कम से कम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कम से कम 10% मुनाफा तो यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर होना चाहिए। तो ये मेन प्रोविजन यहाँ पर लाया गया। उसके बाद जो ब्रिटिश है अभी उनकी जो सैलरी है, अभी तक वो सैलरी वो अपने हिसाब से देते थे, कंपनी को खुद को अपने जो रेवेन्यू जनरेट होता था, मतलब जो भी उनको मुनाफा होता था उनको सैलरी वगैरह बिजनेस करने के बाद, तो उसको जो है वो जो पैसा है अभी उससे वो अपना सैलरी दिया करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किस तरीके से कि अभी हमारे जो किसान हैं उन लोगों से ये टैक्स वसूल करते हैं, तो उस टैक्स के जो पैसा जो आता है उससे उनका जो सैलरी वो दिया जाएगा। अभी वो काम खुद के लिए कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पैसा कौन देगा, उनकी सैलरी हम देंगे। उसका उस समय पर वहाँ पर इनिशियली काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, वैसे उस समय विरोध करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर उस समय उसका विरोध काफ़ी हुआ कि इस तरीके से जो है वो इंडियन रेवेन्यू से पैसा देना उनका गलत है। उसका इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको जुडिशरी से अलग किया गया, ठीक है। रेवेन्यू मतलब राजस्व के मामले थे। तभी यहाँ पर क्या होता था कि जो
एक कलेक्टर होता था कॉल द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर जिसको आप बोलते हो। तो कलेक्टर जो होता था एक समय पे, उसके पास बहुत सारे पावर्स होते थे। वो जो है वो एक जुडिशरी का काम भी करता था, न्यायपालिका का, वो एग्जीक्यूटिव का काम तो करता ही था, मतलब वो पूरे एरिया के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मैनेज करना है, तो अब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता था। उसके बाद में जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी उसका काम होता, सभी काम उसके पास यहाँ पर थे। तभी यहाँ पर क्या किया कि जुडिशरी के लिए यहाँ पर अलग से प्रोविजन लाए गए, और उसके तहत जो है जुडिशरी के लिए अलग से कोर्ट्स का पूरा सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, सदर दीवानी इंतजामत अदालत, सदर इंतजामत अदालत, ठीक है, जो कॉर्नवालिस कोर्ट था उसके अकॉर्डिंग। अभी कॉर्नवालिस कोर्ट के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पूरा कोड बनाया था कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेयर टू लेयर चलाया जाए, किस तरीके से जुडिशरी है उसको मैनेज किया जाए। उसके लिए जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, तो उस तरीके से उन्होंने वहां पर बनाने की कोशिश उन्होंने किया था, ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो उसको पूरा जो है जुडिशरी को जो है वो रेवेन्यू मैटर से या एडमिनिस्ट्रेशन मैटर से पूरी तरह से अलग कर दिया गया, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव था या फिर जो मेन जो रेवेन्यू वाले ऑफिसर्स थे, कलेक्टर वगैरह, तो उनके पास जो है खाली सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम रह गया था। तो भी उसके कारण क्या होगा कि वो अपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान यहाँ पर रख सकेंगे, और एक कंसंट्रेशन के लिए अलग से बॉडी यहाँ पर जुडिशरी का पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। ये होता है 1793 के एक्ट के अंदर। उसके 20 साल बाद जो है वो फिर से एक नया एक्ट आता है, इट्स कॉल्ड द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर से कंपनी का जो चार्टर्ड है वो 20 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पर जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मोनोपोली के यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। अभी उसके पीछे रीजन क्या है कि उसको समाप्त क्यों किया गया? देखो, ब्रिटेन के अंदर क्या है कि कुछ सिलेक्टेड लोग ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहां पर जाके काम करते थे। बाकी जो भी कंपनी वहां पर हुआ करती थी उन सभी कंपनियों को यहाँ पर अधिकार नहीं था कि वो यहाँ पर, ठीक है, तो बाकी जो कंपनीज थी उनको ब्रिटेन के अंदर ही उनको अधिकार नहीं था कि वो यहाँ पर आके अपना बिजनेस जो है बिजनेस यहाँ पर कर सके। फॉर दैट पर्पज जो है ब्रिटेन के अंदर काफी ज्यादा विरोध वहां पर हुआ कि अभी जो कंपनीज हैं वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां पे काम क्यों कर रही है, बाकी कंपनीज को भी वहां पर मौका देना चाहिए। इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ में जो नेपोलियन है, नेपोलियन का वहां पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम यहाँ पर आता है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया कि जितना भी एरिया नेपोलियन ने कैप्चर किया था उस समय पे, तो उस पूरे एरिया के अंदर वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू करता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ फ्रांस का सामान रहेगा और फ्रांस का सामान ही बिकेगा। जो ब्रिटेन जो है उसका मेन जो दुश्मन था, यहाँ से कोई भी सामान जो है यहाँ से लाके आप फ्रांस का जो एरिया है पूरा उसके अंदर नहीं बेच सकते। उस समय जो ब्रिटेन का जो मेन जो पावर था वो ब्रिटेन था। जस्ट वेट, हेलो, नो आई कैन नॉट ऑन द मोबाइल, हेलो, या आई कैन सी कमेंट ऑन मोबाइल नॉट ऑन स्क्रीन। हाँ हाँ, इट्स ऑन मोबाइल। नहीं, वो कमेंट तो नहीं आया मैम। यस आई गॉट इट। हाँ 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 अब नाउ इट्स ओके। ओके ओके ओके, सॉरी गाइस, किसका बैटरी लो हो गया। ठीक है, तो अभी कमेंट नहीं आ रहा था, उसके कारण वहां से अनअकैडमी से कॉल आया था कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है नॉल। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे हम। हाँ, तो अभी यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसने डेवलप किया, उसके कारण जो ब्रिटिश कंपनी है वो वहां पर अपना माल जो है वहां पर नहीं बेच सकती थी। अभी उसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हमको इंडिया के अंदर बिजनेस करने का परमिशन दो, तो कंपनीज को यहाँ पर खोला गया कि अभी आप इंडिया के अंदर जाके परमिशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीजें थी, एक था टी का ट्रेड, चाय का ट्रेड, और दूसरा था ओपियम का ट्रेड, मतलब अफीम का ट्रेड। ये दो चीजों को छोड़ के बाकी जो पूरा काम है वो बाकी सब कंपनीज यहाँ पर आ सकती थी, यहाँ पे बिजनेस कर सकती। इट मींस कि यहाँ पर पूरी तरीके से एक ओपन सिस्टम डेवलप किया गया, ओपन कंपटीशन का सिस्टम डेवलप किया गया कि ब्रिटिश कंपनीज यहाँ पर आए यहाँ पर अपना व्यापार कर सकती है। ठीक है, अभी टी और ओपियम का थोड़ा ऐसा था कि जो चाइना के साथ में ओपियम का ट्रेड करते थे, इंडिया के अंदर दे एस्टैब्लिश द मतलब वो दे ग्रो द
ओपियम ओपियम को यहाँ पर ग्रो करते थे, उसके बाद उसको यहाँ पे चाइना के अंदर बेचते थे, चाइना से फिर वहाँ पे वो टी वगैरह खरीदते थे, उसको जाके अपने इंग्लैंड के अंदर बेचते थे, और फिर इंग्लैंड के अंदर से दूसरा कपड़ा वगैरह खरीद के वापस इंडिया के अंदर ला के बेचते थे। तो उस तरह से एक ट्राइंगल उन्होंने बना रखा था, फिर बाद के टाइम पे इंडिया के अंदर असम वगैरह के अंदर भी टी गार्डन वगैरह वो एस्टैब्लिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी उस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दो चीज, अभी टी ट्रेड और ओपियम के अलावा पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो मोनोपोली यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पर ब्रिटिश जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, अभी मिशनरीज को यहाँ पर परमिशन दी गई कि वो आके अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आके यहाँ पे कर सकता है, तो इसके पहले उनको परमिशन नहीं दिया गया था। अभी यहाँ पर ये करते आके उन्होंने चर्च वगैरह तो एस्टैब्लिश यहाँ पे अपने हिसाब से उन्होंने किया था, लेकिन बाद में जो है इसके अलावा अभी यहाँ परमिशन दिया गया कि अपने जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकती है, अपने रिलीजन को यहाँ पर बढ़ा सकती है, तो वो अलग अलग लोगों को यहाँ पर प्रीच कर सकती है क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो सैनिक हैं जो आर्मीज के जो जवान हैं उनको यहाँ पर प्रीच कर सकती है अबाउट द ऑल द क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे पहली बार उनको परमिशन दी गई और उसके कारण काफी जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि सैनिकों को यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियनिटी सिखाई गई, क्योंकि सैनिक जो है एक जगह पर रहते थे और उनको जो है किसी भी धर्म को सिखाना, किसी भी चीज को सिखाना उनके लिए आसान हो जाता था, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे परमिशन दी गई। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जो इंडियन सब्जेक्ट थे, जो इंडियन थे उनके एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपया यहाँ पर हर साल देने की बात किया गया। जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर, जो पार्लियामेंट था, उसने बोला कि अभी इनके एजुकेशन को भी करना जरूरी है, तो उसके लिए 1,00,000 रुपया जो है हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर, मतलब जो सेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई थी उसको यहाँ पे खर्च करना यहाँ पर जरूरी है। तो इस तरीके से ये प्रोविजन यहाँ पर इसके अंदर इंप्लीमेंट किए गए। खैर ये पैसा जो है वो लंबे समय तक खर्च नहीं किया गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस पैसे को यहाँ पर कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो स्थानीय जो गवर्नमेंट थी, अब तो जो म्युनिसिपल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो एस्टैब्लिश हुई थी, अभी उनको जो है यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का जो पावर है लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पर दिया गया, और अभी उनको जो है पावर दिया गया है कि वो अगर कोई टैक्स पे नहीं करता तो इन दैट केस दे कैन पनिश द पीपल, जो लोग हैं उनको वहाँ पर पनिश कर सकते हैं, उनको यहाँ पर सजा वगैरह वो दे सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट, हेलो, ये अभी तो कमेंट आ रहा है, वो उसको मोबाइल पे देख के काम हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिर से वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर करूंगा तो, है ना। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है जो एजुकेशन है, अभी यहाँ पर जो स्थानीय गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर पावर दिया गया कि अभी वो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन वगैरह यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। सो अभी देयर इज सम इशू, तो नेक्स्ट यहाँ पर है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। तो अभी यहाँ पर 1813 देन 1833 के अंदर यहाँ पर जो चार्टर्ड एक्ट है यहाँ पर आया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बजट 2018 में एजुकेशन को कितने परसेंट फंडिंग की गई थी, ठीक है। तभी देखो स्पेसिफिक हम बात करें तो एजुकेशन इज द मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य का मैटर है, ठीक है। तभी यहाँ पर स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फंडिंग इसके लिए करती है। तभी यहाँ पर जो है स्पेशली सिर्फ एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे अलग से फंडिंग नहीं आता, यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको अलग अलग जो फंडिंग है यहाँ पे की जाता है। तो अलग अलग जो हेड्स हैं, अलग अलग हेड्स के अंदर डायरेक्ट फंडिंग यहाँ पे किया जाता है। जैसे बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस को भी डायरेक्ट अभी बोला गया है कि हाँ 2.73% जो डिफेंस को दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप स्टेट मैटर है, तो स्टेट मैटर होने के कारण जो है यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो आप जो फंडिंग का जो परसेंट है वो एग्जैक्ट परसेंट यहाँ पर नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट जो है 2-3% जो है यहाँ पर उनको जो फंडिंग है यहाँ पर एजुकेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो HRD मिनिस्ट्री है उसको अलग से फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अभी आप इसको 2-3% यहाँ पर कह सकते हैं। अरे आज कौन है, विद्यासागर, मुझे पता था ये क्वेश्चन विद्यासागर का ही होगा, हमेशा ये हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। शांति 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 रखें, ठीक है। तो
जो पहले जो 1765 वाला जो ड्यूअल गवर्नमेंट था, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 1919 से अलग था। वहां पर तो उन्होंने ये कर दिया कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता था, तभी उन्होंने राजा को बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन तो आप चलाओ, अभी बाकी जो काम है वो पैसा वगैरह तो हम कलेक्ट करवा लेंगे, ठीक है, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। तो दिस इज टोटली डिफरेंट, कह सकते हैं कि दो बार जो शासन लागू हुआ, लेकिन दोनों चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। यू कैन कंपेयर, डू नॉट कंपेयर द वन विद अनदर, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बोलने का, ठीक है। तो आगे 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 थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर जो है 1833 के अंदर अगला जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1733 के अंदर यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। तो अभी सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पर ये होता है कि अभी देखो यहाँ पर जो बहुत बड़ा एरिया जो है बंगाल के अलावा, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर इन्होंने अपने कैप्चर के अंदर यहाँ पर ले लिया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंडिया का आज के टाइम में हम इंडिया देखते हैं, एक मीडिया थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का वो देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ब्रिटिशर्स ने उस समय यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। तो इस कारण जो है वो जो बंगाल, बिहार, जो बंगाल की जो सीमाएं थी या फिर आप कलकत्ता या मद्रास की जो सीमाएं थी उनसे बाहर निकल के काफी बड़े एरिया के अंदर आ गए थे। राजपूताना और कई एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। तो अभी उसके कारण जो है यहाँ पर उन्होंने गवर्नर जनरल जो बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, कि देयर इज अ ह्यूज एरिया, एक बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर यहाँ पर कर लिया था, और उसके कारण जो है गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। सो हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर उसको बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो मेन जो था कि अभी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अभी काउंसिल के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर एक लॉ मेंबर यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लॉ मेंबर काम यह था कि जो भी कानून वगैरह बन रहे हैं वो लॉ मेंबर जो है उसको पूरा स्टडी करेगा कि अभी कौन सा कानून आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए। जैसे आज के टाइम पर हम लॉ कमीशन एस्टैब्लिश करते हैं, उस समय पे वहाँ पे जो उसको एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लॉ मेंबर एक ऐड किया गया। तो तीन मेंबर जैसे हो गए थे, तो चार मेंबर यहाँ पे चौथा मेंबर जो है वो लॉ मेंबर ऐड किया गया। तो फोर्थ मेंबर इज द टी बी मैकॉले, ठीक है। वो मैकॉले वही जिसने जो है वो एजुकेशन से संबंधित जो है रिफॉर्म इंडिया के अंदर 1835 के अंदर किया था कि हाँ बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो और कौन, कितने लोग एक्टिव में पता चल जाएगा ऑप्शन के बाद, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, हाँ स्पेलिंग चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टीबी मैकॉले जो फोर्थ मेंबर यहाँ पर बनाया गया, और उसके बाद जो है जो दूसरी जो प्रेसिडेंसीज थी कौन सी थी, आपका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो जो बॉम्बे, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी या बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो मेन हुआ करती थी। उसके नीचे जो है यहाँ पर दो प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे और आपका मद्रास। तो अभी इन दोनों को क्या किया गया कि इन दोनों के जो पावर्स यहाँ पर थे कानून बना के, लेजिस्लेटिव पावर जो थे वो इनसे वापस ले लिए गए, कि अभी जो कानून वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे सिर्फ बंगाल का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वही वहाँ पर कानून बनेंगे। बाकी लोअर लेवल के ऊपर जो है जो गवर्नर्स हैं उनको या फिर उनकी असेंबलीज हैं उनको यहाँ पर पावर नहीं होगा किसी प्रकार का कानून बनाने का। तो उनके लेजिस्लेटिव जो पावर थे वो यहाँ पर वापस ले लिए गए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो कमर्शियल पावर था उसको सस्टेन रखा गया, और उसको एज अ पूरी तरीके से उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसको पूरी तरह से प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन कॉम्पिटिशन है, कोई भी कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर सकती थी। तो एक ओपन कॉम्पिटिशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, और जो टी और जो ओपियम का जो ट्रेड था उसको भी पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया कि कोई भी कंपनी आके यहाँ पर ट्रेड कर सकती है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर जो है ओपन कंपटीशन लागू हुआ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरीके से अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। मतलब उसका काम क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, वो उसका मेन काम था। बाकी उसका कमर्शियल पावर यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर इंडियन, भारतीयों के लिए जो है खुली प्रतियोगिता, कि अभी आप जो एग्जाम आजकल देते हो पीएससी वगैरह का, यूपीएससी का, तो उस तरह से ओपन कॉम्पिटिशन पहली बार यहाँ पे लाया गया कि अभी कोई भी जो इंडियन है वो यहाँ पर आके ओपन कंपटीशन के अंदर बैठ के जो है एग्जाम वगैरह दे सकता है, उसके अंदर इलेक्ट जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो पहली बार जो है 1833 के एक्ट के अंदर ये प्रोविजन जो है ये प्रोविजन यहाँ पर लाया गया, ठीक है। अभी जो है कोई भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट था कि अभी कि नो इंडियन कैन बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, उन किसी भारतीय को यहाँ पर उसका जो है वहाँ पर उस पोस्ट के ऊपर आने से उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन उस समय जो काउंसिल ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने उसका काफी अपोज किया कि अभी उनका मानना था कि जो इंडियंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसके लायक नहीं है कि वो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रशासन चला सके। तो उसके लिए जो मेन जो पोस्ट है प्रशासन की, उनके लिए इंडियंस को यहाँ पर अलाउ करना ठीक नहीं है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने काफी अपोजिशन किया, उसके बाद जो है इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड करने का जो डिसीजन है वो वापस ले लिया गया, उसको मतलब अभी छोड़ दिया गया कि ठीक है इंडियंस को बाद
बाद में यहाँ पर इंक्लूड करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन है उसके अंदर पहले बोला कि 1,00,000 रुपया आप हर साल आपको देना, अब यहाँ पे बढ़ा के 10,00,000 रुपया कर दिया गया कि 10,00,000 रुपया जो है हर साल आपको यहाँ पर इंडियन जो है उनके एजुकेशन के लिए यहाँ पर खर्च करना है। तो भी ये जो अमाउंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया, लेकिन ताजुब की बात यहाँ पर यह है कि अभी 1 रुपया यहाँ पर इसके इंडियन के एजुकेशन के लिए यहाँ पर खर्च नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो मेन चीजें यहाँ पर आती है कि अभी पैसा यहाँ पे कैसे खर्च करना है, उसके लिए बाद में फिर मैकॉले की कमेटी बनाई गई, मैकॉले कमेटी बनाई गई और मैकॉले कमेटी ने फिर इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे 1835 के अंदर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया कि जो इंडियंस हैं अभी मतलब उनके सिर्फ इंग्लिश के अंदर उनका पढ़ाई वगैरह होगी। इट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर, मैं आपको एक बस लिंक यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है उसको जो किसी भी कानून के अंदर अमेंड करने का या उस कानून को रिपील करने का या अल्टर करने का यहाँ पर पावर दिया गया कि जो भी पावर्स है मतलब जो भी एक्ट वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं तो गवर्नर जनरल जो है उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनको जो है वहाँ पर अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये उनको यहाँ पर पावर स्पेशली यहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वहाँ पर एक लॉ कमीशन बनाया गया अंडर द टीबी मॉकल है, उसके अंदर बनाया गया जो जो भी कानून वगैरह बनते हैं उसको वहाँ पर मैनेज करने के लिए। तो ये जो मेन प्रोविजन है वो 1833 के एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जो है वो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, उसके बाद जो है इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन ओपन किया जाता है, लेकिन बाद में जो है ओपन कंपटीशन यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। देन आता है 1853 के अंदर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। अभी तो इतने साल हो गए, यहाँ पर 1773 के अंदर यहाँ पर पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था और अब आ गया है 1853। तो 1853 तक आते आते ये है कि अभी हाँ आराम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल चला रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी 20-20 साल का जो वापस बढ़ाना है, तभी बोला कि ठीक है 20 साल नहीं, अभी काम करते हैं 1853 के अंदर की फॉर द अनलिमिटेड टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे देते हैं रूल करने के लिए, भी आप जाओ और अब ऐश करो, आराम से अपना रूल वगैरह करो। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो है वो रूल करना सीख गए हो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको जो है ओपन यहाँ पर कर दिया गया है कि जितने टाइम तक काम आपको करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 1853 का एक्ट है वहाँ पर जो मेन जो चेंज लाया गया है, वहाँ पर जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर पहले काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की 4 मेंबर की, तो उसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव भी यही होता था, लेजिस्लेचर भी यही होता था। ठीक है, मतलब कार्यपालिका भी यही होता था, विधायिका भी यही होता था, मतलब ये कानून बनाता था और ये कानून को इंप्लीमेंट करता था। तो एक ही बॉडी थी 4 मेंबर की, तो वो आपस में मिलजुल के सब कुछ काम कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा रिफॉर्म किया गया, यहाँ पर एक अलग से जो 6 मेंबर का एक बॉडी यहाँ पर बनाया गया और ये बॉडी का काम था यहाँ पर लेजिस्लेचर बनाना, मतलब कानून बनाना। तो एक नई बॉडी बनाई गई, इट्स कॉल्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधायिका परिषद। उसका जो मेन काम क्या था इन 6 मेंबर्स का, कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट मतलब जो कानून है भारत के लिए यहाँ पर कानून बनाना। तो बोले कानून बनाने के लिए पहली बार एक तरह से बॉडी यहाँ पर 1853 के एक्ट के अंदर इलेक्ट की गई, वो खुद ब्रिटिशर्स के अंदर से लोगों को इलेक्ट किया जाता था और वो यहाँ पर अलग से कानून बनाते थे। ये कानून बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव जो है उनको मतलब जो कार्यपालिका है गवर्नर जनरल की वो उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर करती थी। ठीक है, तो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट के रूप में या फिर एक छोटी पार्लियामेंट के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। और उसके साथ यहाँ पर 1853 के एक्ट के अंदर जो है बोला गया कि जो ओपन कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगिता है, वो प्रतियोगिता सिस्टम यहाँ से शुरू किया जाए। अभी इसके पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो अपोजिशन किया था, अभी उसके अंदर कुछ चीज़ों को सुधारते हुए, जैसे कि जो हायर पोस्ट जैसे गवर्नर जनरल की है या गवर्नर की है या फिर जो डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट है, अभी इनको छोड़ के जो है सभी पोस्ट के ऊपर भारतीयों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके लिए एक एक्ट है, वो आगे आएगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ओपन कॉम्पिटिशन जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया और पहली बार ऐसा किया गया। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस थी, दो तरह की सर्विसेज होती थी, एक होता था कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज, एक होता नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पर इंडियंस के लिए जो कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज है वो कोऑर्डिनेटेड सर्विस जो है इंडियंस के लिए ओपन की गई, जहाँ पर कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर और ये सब चीजें, ये सब जो पोस्ट है वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी पहली बार जो यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसके अंदर फिर इंडियंस को भी यहाँ पर ऐड किया गया। और उसके बाद जो 4 यहाँ पर मेंबर थे, अभी अलग अलग जो लोकल काउंसिल थी, जैसे कि आपका मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, आगरा है, जो अलग अलग जो आपकी लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ के मेंबर्स को भी यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट किया गया। उसके बाद ये प्रोविजन लाया गया कि देयर इज अ सेपरेट गवर्नर फॉर द मद्रास, क्योंकि अभी जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके बाद फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो सेम व्यक्ति जो है वो बंगाल का काम भी संभालता था, इसी कारण जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ठीक से नहीं चल पाता था। तो यहाँ पर ये प्रोविजन लाया गया कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर बनाया जाएगा। खैर 1912 में जाकर जो है सेपरेट जो गवर्नर है बंगाल के लिए बनता है, इट विल टेक सो मच लॉन्ग टाइम। ठीक है, इतने टाइम बाद वहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो यहाँ पर जो नई कोई प्रेसिडेंसी बनाना है, जैसे 3 प्रेसिडेंसी अभी यहाँ पर थी, और चौथी जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता, जो आगरा है वो आगरा को बनाया गया था। खैर उसको वो स्टेटस बाद तक नहीं दिया गया,
ठीक है, तो अगर कोई भी नई प्रेसिडेंसी बनानी है तो वहां पर जो है वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये काम कर सकता है कि नई प्रेसिडेंसी बनाना है या फिर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करना है, तो वो सब जो काम है वो इनके द्वारा बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेन जो चेंजेस है यहाँ पर इसके अंदर लाए गए। उसके बाद कंपनी को पहले क्या लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि 1853 के अंदर कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अब आराम से काम हो सकता है, लेकिन उनको क्या पता था कि 53 के अंदर ये लाए और 57 के अंदर एक बड़ी क्रांति हो जाएगी, इट्स कॉल्ड द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो भी कहा जाता है। इसका क्लास परसों है तो कल इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 12 बजे, तो 1857 के रिवोल्ट का जो कोर्स है उसको रजिस्टर्ड करना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है और ब्रिटिश जो प्रशासन था, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जड़ों को पूरी तरह हिला के रख दिया और पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ पर चरमरा गया। तो उसके बाद यहाँ पर फिर विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन क्या आता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो पहले ही बात करते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका यहाँ पर खत्म हो गया था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स उनकी हत्या यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस नेम से वीडी दनेसों की बुक पूरी पूरी बात बोलो यार कार्तिक, ठीक है, तुम ऐसा समझते हो कि समझदार को इशारा काफी है, तो मैं समझदार नहीं हूँ। ठीक है, एकदम से कोई क्वेश्चन आप डाल देते हो मुझे समझना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या यहाँ पर पूछना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा सावरकर, इट्स अ सावरकर, नॉट सावरकर, इट्स अ सावरकर, अच्छा समझ गया मैं, आप यूपी वगैरह के सागर वगैरह के होंगे तो आपको वो वी बी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हाँ जो वी डी सावरकर थे उन्होंने उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने यहाँ पर कहा। तभी यहाँ पर क्या होता है कि पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी यहाँ पर ब्रिटिश जो है क्राउन को समझ में आ गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलने वाला नहीं है, अभी जो है वो ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग है जो उस समय पे गवर्नर जनरल थे, अभी वो यहाँ पर एक रॉयल प्रोक्लेमेशन, एक जो वहाँ की रानी का जो उद्घोषणा है वो उद्घोषणा यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ब्रिटिश क्राउन को, मतलब ब्रिटेन की जो रानी है वो अब भारत की क्या होगी, शासिका होगी, यहाँ की एडमिनिस्टर होगी, शी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी होगी। तो ये यहाँ पर किया जाता है, इसके कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उनका जो काम भी वो इंडिया के अंदर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन जो चेंजेस यहाँ पर आते हैं कि पहला यहाँ पर ये यह है कि नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरी, जो क्षेत्र है वो क्षेत्रों का यहाँ पे जितना है उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेन जो इश्यू था 1857 का वो ये था कि या तो किसी जो राजा वगैरह थे जो यहाँ पे राजा थे उन राजाओं का या तो यहाँ पे जो स्टेट है वो ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर छीन लिया गया था, या तो कोई राजा था जिसका भी स्टेट पहले से छीन लिया गया था उसको पेंशन दी जा रही थी, तो उसका पेंशन जो है वो पेंशन यहाँ पर बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो दो मैटर जो है यहाँ पर आए थे मेनली, तो इसलिए बोला कि आगे किसी भी प्रकार की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। और किसी को ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, रिफ्रेश कर लो कार्तिक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो कोई भी बढ़ावा है वहां पर नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी टेरिटरी यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया जाएगी, अभी जितना लिमिटेड है उतना ही यहाँ पर एरिया रहेगा, लिमिटेड मतलब बहुत बड़ा एरिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया गया, एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट की गई, पहले एग्जाम जो है वो इंग्लैंड के अंदर होती थी, फिर बाद में इंडिया के अंदर एग्जाम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के अंदर आयोजित यहाँ पे की जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया कि वी शुड रिस्पेक्ट द इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय जो परंपरा है उसका जो हम सम्मान करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि अभी इसके पहले उन्होंने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए कि अभी जो दत्तक पुत्र है या फिर आपका जो अडॉप्टेड सन है उसको लेने का जो परमिशन है हिंदू धर्म के अंदर, ये परमिशन था कि अभी आप अडॉप्टेड सन जो है उसको अक्वायर कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको राजा मान सकते हैं, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स ने उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसके अंदर मना कर दिया कि जो अडॉप्टेड सन है उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद उन्होंने कई इस तरह के जैसे विधवा पुनर्विवाह या फिर आपका जो सती प्रथा है, ऐसे कई चेंजेस यहाँ पर लाए उन्होंने, विच आर पॉजिटिव चेंज वहाँ पर थे।
लेकिन फिर भी इंडियंस को लगा, स्पेशली हिंदूज को लगा कि अभी यहाँ पर जो है उनके पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो पूरा जो धर्म है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इस कारण जो हिंदू और मुस्लिम और सभी ने वहां पर रिवोल्ट किया। तभी कहा गया कि ठीक है, आपका जो भी कस्टम वगैरह है वो हम उसका सम्मान करेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं आपके, आगे से हम जो है उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आजकल हमारे जो नेता है वो भी धर्म के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते, शायद उन्हीं से उन्होंने सीखा होगा। ठीक है, तो ये रॉयल प्रोक्लेमेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, 1858 की जो एक्ट है वो एक्ट यहाँ पर आता है। तो 1 नवंबर 1858 को ये इम्प्लीमेंट होता है, और अभी जो रॉयल प्रोक्लेमेशन था रानी का, उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो बॉडी थी, फर्स्ट इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेकंड इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों बॉडीज को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को एंड कर दिया गया, और उनके बेसिस पे जो है इनका जो पूरा पावर था, ठीक है, जो ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, इनका जो पूरा पावर था, एक नई बॉडी बनाई गई, नेम इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको यहाँ पर पूरा जो पावर इन दोनों का जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया कि अभी जो भी पूरा काम है ये भाई साहब जो है भाई साहब यहाँ पर संभालेंगे। ठीक है, और इनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया है, कि 15 मेंबर का जो काउंसिल है वो जो भी इनका कामकाज का तरीका है, मतलब जो भी इनका मैनेजमेंट वगैरह है, असिस्टेंस है, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। 15 मेंबर मिलके जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करते थे। वैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरली जो है अमेरिका, वहां पे ब्रिटेन के अंदर बैठ के ही काम करता था, कभी कभी जो है घूमते फिरते इंडिया आ जाता होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर 15 सदस्यीय वो एक कमेटी है, उसके द्वारा यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे नया पोस्ट बनाया था, न्यू पोस्ट इज द वायसराय। ठीक है, वायसराय का एक नया पोस्ट बनाया गया, और अभी देखो जनरली आप ये पढ़ते होंगे कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो है वायसराय का पद बनाया गया। हु इज द फर्स्ट वायसराय, पहला वायसराय कौन है? ठीक है, बराबर कमेंट करो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वायसराय है, यहाँ पर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। ठीक है, नवाज लॉर्ड कैनिंग, नवाज कौन है? अच्छा, नवाज लॉर्ड कैनिंग, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वॉइस का नया पोस्ट किया गया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है क्या होता है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट, कि अभी यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसका पोस्ट यहाँ पर कंटिन्यू था। गवर्नर जनरल क्या करेगा, वो जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, जबकि एक पोस्ट वायसराय यहाँ पर बनाया गया, वो वायसराय क्या करेगा, ही उसको जो है यहाँ पर डिप्लोमेटिक पावर है। डिप्लोमेटिक पावर है मतलब, अच्छा ऐसा शेयरिंग, बहुत बढ़िया, चलो 1 रुपया बचा आज। तो यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक पावर है वो यहाँ पर यूज करेगा, कि अभी जो भी राजा है यहाँ पे, जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट का यहाँ पर जो भी मैटर थे उनके, उन सबको रिजोल्व करने के लिए वायसराय का पोस्ट गठित किया गया, कि वायसराय जो है जो भी प्रिंसली स्टेट है, जो भी राज्य यहाँ पर है, उनके जो भी मैटर्स है वो इसके द्वारा यहाँ पर वायसराय द्वारा यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, और गवर्नर जनरल जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। बेसिकली दोनों जो है वो दोनों एक ही पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई, एक ही व्यक्ति को दोनों पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया। इट मे बी पॉसिबल कि आगे दो पोस्ट यहाँ पर दो व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने कभी भी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी दो लोगों को अपॉइंट यहाँ पर नहीं किया गया। ये वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, और हमारी राज्यसभा जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो भी है, तो दोनों काम वो संभालते। तो सेम चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम चीज यहाँ पर हुई, कि वो गवर्नर जनरल भी है और वायसराय है। तो द मेन पोस्ट इज वायसराय एंड गवर्नर जनरल, ठीक है, सिर्फ वायसराय जो है वो वहां पर नहीं था। ठीक है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, आप जीत चुके हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तभी यहाँ पर जो वायसराय का जो पोस्ट है यहाँ पर क्रिएट किया गया। अभी यहाँ पर जो है सेक्रेटरी ऑफ जो वायसराय है इज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भी अगर वो वायसराय काम करता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको यहाँ पर जवाब उसको देना पड़ेगा, उसकी काउंसिल जो है उसको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। देखो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे क्या बोला गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो वायसराय है, वो किसको जवाब देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, मतलब कि आज के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी जो कैबिनेट होती है सरकार की, वो कैबिनेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा की, एक इलेक्टिव बॉडी के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डाली गई, लेकिन हमारा जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, तो यहाँ पर जो कैबिनेट है, यहाँ पर जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, और इसको फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर किया। तो वायसराय के प्रति वो जवाबदेह होंगे, जो भी वो काम करेगा उसके जो उसको वायसराय को आंसर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पर, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। किस तरीके से मेन प्रोविजन यहाँ पर लाएगा, उसके अलावा आर्मी वगैरह के अंदर भी कई चेंज किए गए, कि आर्मी के अंदर बेसिकली जो अभी अलग अलग रेजिमेंट, जैसे सिख रेजिमेंट या फिर राजपूत रेजिमेंट,
या फिर महार रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट यहाँ पर बनाई गई और इन रेजिमेंट के अंदर उन पर्टिकुलर कास्ट मतलब उस एरिया के, जो सिख है तो उसके अंदर से सरदार रहेंगे, राजपूत है राजपूत रहेंगे, महार है तो महार कास्ट के लोग रहेंगे, इस तरीके से जो डिवीजन है वो डिवीजन यहाँ पर बेसिकली उनके द्वारा किया गया। ठीक है, ये सब जो मैंने आज नया कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन एक लिंकिंग यहाँ पर आपको जो ये एक्ट जो है, अभी आप क्या करते हैं बुक उठाते हैं और जितने भी एक्ट आपको दिए वो एक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका पूरा जो स्टोरी है वो आपको समझना जरूरी है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो लगातार याद होते रहे कि कैसे कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट जो है यहाँ पर होता रहा। ठीक है, हाँ, अंबेडकर इज बिलोंग टू महार कास्ट, राइट, यू आर राइट, और उनके जो फादर थे वो महार रेजिमेंट के अंदर महू के अंदर थे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है कास्ट, जो है कास्ट यहाँ पर होती है, जिनके नाम से फिर अभी यहाँ पर महार रेजिमेंट बनाया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर अगला आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का जो है यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया था, जहाँ पर सिर्फ 6 मेंबर होते थे और वो 6 मेंबर जो है बेसिकली क्या करते थे कि वो सिर्फ जनरली अपना जो कानून वगैरह बनाने का काम करते थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर लगातार डिमांड उठने लगी कि एक काउंसिल होना चाहिए जो हमारे लिए कानून बनाए, उसके अंदर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए एंड ऑल दैट। तभी इंडियन ने ब्रिटिशर्स ने बोला चलो ठीक है, एक तुमको झुंझुना पकड़ा देते हैं, उसको बजाते रहो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से एक झुंझुना उन्होंने हमको पकड़ा दिया 1861 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि एक बॉडी यहाँ पर बनाई जाएगी। ठीक है, और अभी इसके अंदर जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर जो इंडियन है उनको यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व जो है भारतीयों को यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब कानून जब हमारे लिए बनेगा तो हम उसके लिए यहाँ पर उसके अंदर जो हम पार्टिसिपेशन है, हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सकेगा। उसके अंदर यहाँ पर 5th मेंबर जो है वहाँ पर ऐड किया गया, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर जो एक फाइनेंस मेंबर था, वित्त सदस्य था, कितने सदस्य हो गए अब गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर 5 सदस्य हो गए, तो 5वां सदस्य यहाँ पर फाइनेंस मेंबर जो है यहाँ पर ऐड किया गया। उसका जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर जो है जो 6 मेंबर हमने पीछे बताया कि जो उसके लेजिस्लेटिव जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 6 मेंबर थे। अभी उसको यहाँ के बढ़ा के उसने बोला कि 6 से 12 तक मेंबर, मतलब 6 से 12 के बीच में मेंबर जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, और उसके अंदर से जो है जो हाफ मेंबर है वो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। नॉमिनेटेड मतलब गवर्नर के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा उन मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरे नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर होंगे, मतलब नॉन ऑफिशियल, मतलब जो सरकारी मेंबर वो यहाँ पर नहीं होंगे, और उसके लिए जो है यहाँ पर फिर उसका नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इंपीरियल विधायिका परिषद उसका नाम कर दिया गया, जिसका जो टेन्योर था वो 2 साल था, कि 2 साल तक मेंबर्स से उनको इलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद नए मेंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्टेड कुछ मेंबर इलेक्टेड हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं, उस तरीके से यहाँ पर जो एक बॉडी है उसको यहाँ पर एक्सपांड किया गया, 6 से 12 मेंबर किए गए, भारतीयों को सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ ठीक है आपको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया। अभी तो यहाँ पर क्या होता था, इसकी जब मीटिंग होती थी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजाओं को यहाँ पर ऐड किया गया उन्होंने, तो ऑब्वियस बात है राजाओं को यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार या राजा उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, वो राजा के उनको कुछ नहीं पता था, इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता था, तो अभी उनको यहाँ पर ऐड किया गया और उनको बोला कि मुझे क्या करना है। तो उनको बोला कि जब भी गवर्नर जनरल वोटिंग होती थी तो अभी वहाँ पर हाथ उठा के वोटिंग करती थी, आई एम सपोर्टिंग दैट। तो अभी यहाँ पर उनको बोला गया है कि जब भी गवर्नर जनरल हाथ ऊंचा करे तो आप भी हाथ ऊंचा करना, मतलब आपका भी वोट काउंट हो जाएगा। मतलब उनका जो से था वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, उनको ये बोला गया है कि जब गवर्नर जनरल हाथ ऊंचा करे तो तुम भी हाथ ऊंचा कर देना, और ये सब चीजें उनको बोली गई। तभी यहाँ पर जो है एक तरीके से एक हमको समझाने की कोशिश की गई, हमारा जो बहुत ज्यादा यहाँ पर ठीक है हाँ देखो नहीं देखो क्या है, मैंने आपको वही अभी आदेश में तुमने मिस कर दिया ना, कि मैंने क्या बोला कि ही इज द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय नाउ। अभी जब वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, जब उसको गवर्नर जनरल बोला जाएगा, जब वो जो डिप्लोमेट की तरह काम करेगा, प्रिंसिपल स्टेट से सौदेबाजी करेगा, जब उसको वाइसराय बोला जाएगा, तो पोस्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय उसको सिर्फ वाइसराय भी बोल सकते हैं, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है गवर्नर जनरल या वाइसराय में, तो यू कैन कॉल इट द वाइसराय या गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ठीक है, दोनों जो पोस्ट है वो यहाँ पर उसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया लॉर्ड कैनिंग जो थे, अभी उन्होंने 1859 के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम इंप्लीमेंट किया। तो व्हाट इज द पोर्टफोलियो सिस्टम? पोर्टफोलियो जैसे आज के टाइम पे मंत्रिमंडल होता है कि एक सदस्य को यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, एक यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, एक यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री उनको दी जाती है। तो समय पोर्टफोलियो डिसाइड किया गया कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है गवर्नमेंट का वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जो डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस
डिफेंस का सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर होगा, तो अभी जो सदस्य हैं उनके बीच में जो डिपार्टमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए ताकि जो अलग अलग जो सदस्य हैं वो अपना जो काम है अच्छे तरीके से कर सके। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है यहाँ पे पहली बार इंप्लीमेंट किया गया, जो आज के टाइम भी आप मिनिस्टर्स वगैरह देखते होंगे अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो यहाँ पर कैनिंग के उसने इंप्लीमेंट किया था, उसको जो मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल मतलब इस एक्ट के द्वारा उसको यहाँ पर मंजूरी इसके अंदर यहाँ पर दी गई। उसके बाद जो है नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पर मतलब राज्यों के अंदर, राज्य मतलब प्रांत मतलब प्रोविंस, ठीक है, अभी आज के टाइम में राज्य बोलते समय प्रोविंस बोला जाता था, तो यहाँ पर बंगाल के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, और पंजाब के अंदर यहाँ पर नई जो काउंसिल है वो काउंसिल यहाँ पर गठन करने की बात की गई। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल के राज्यों के अंदर भी विधायिका होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इज द एरिया ऑफ अफगानिस्तान, उसके आसपास का पूरा रावलपिंडी और पूरा जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पर जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसको बोला जाता है, बलूचिस्तान वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर तीन स्टैब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश यहाँ पर की गई, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो एस्टैब्लिश हुई 1862, 1866 और 1892 के अंदर रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर जो है वो बहुत बाद के अंदर जो है ये असेंबलीज यहाँ पर एस्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहली बार जो वॉइस रॉय है उनको ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसिल है वो काउंसिल तो बहुत कम बार बैठेगी, जैसे आज के टाइम पर हमारी जो विधानसभा है वो या राज्यसभा लोकसभा है हमारी, तो वो अभी साल के अंदर दो तीन बार तीन बार बैठती है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है अभी इन द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट संसद के अभी रेसेस के अंदर जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो सेम पावर जो है वहाँ पर वायसराय के पास हुआ करता था, ठीक है, मतलब यहीं से जब ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है यहीं से हमने उसको कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ से हमने डाला है, ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स को कहा जाता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मतलब कि हिस्टोरिकल तरीके से कैसे आपने चीज़ों को यहाँ पर अपने हिसाब से उसको यहाँ पर चेंज यहाँ पर किया। उसके बाद यहाँ पर जो मद्रास और बॉम्बे हैं उनका लेजिस्लेटिव पावर जो पहले छीन लिया गया था वो पावर उनको यहाँ पर वापस दे दिया कि अभी आप जो है यहाँ पर कानून वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काउंसिल्स वगैरह एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रॉम द 1862 से 1892 इन 30 साल के अंदर जो काउंसिल है अभी उस जो है वो साल के अंदर से 25 दिन एवरेज हम बात करें तो साल के अंदर से 25 दिन तक वो यहाँ पर बैठी थी, मतलब अभी उसको जो है कम से कम साल के अंदर 100 से ज्यादा दिन काम करना था, लेकिन अभी वो सिर्फ 25 दिन एवरेज के हिसाब से यहाँ पर बैठी थी, और बाद के समय में आफ्टर 1885 के बाद में जो है वो सिर्फ चार पांच दिन जो है साल के अंदर वहां पर वो काम करते थे। तभी यहाँ पर सिर्फ एक बॉडी बनाई गई थी लेकिन उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करती थी। तभी इस पूरे 30 साल के अंदर जो है 42 इंडियंस को यहाँ पर इलेक्ट किया गया इन काउंसिल के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर काफी कम भारतीय यहाँ पर ऐड किए गए। जनरली जो प्रो ब्रिटिश होते थे मनी लेंडर, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या फिर जो महाजन होते थे या जो ब्रिटिश के सपोर्ट करने वाले जो लोग होते थे उन्हीं को यहाँ पर काउंसिल्स के अंदर ऐड किया जाता। जैसे अभी कुछ व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, सैयद अहमद खान जो 1789 से 92 अभी जो अलीगढ़ मूवमेंट वाले, कृष्णदास पाल, वी के मंडलिक या राज बिहारी घोष, राजा दिग्विजय सिंह बलरामपुर के, अभी ऐसे जो मेंबर्स हैं ऐसे कई लोग थे, 42 नाम है वैसे, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जिनको यहाँ पर इस 30 साल के दौरान जो है उनको यहाँ पर काउंसिल के अंदर ऐड किया गया। तो काफी कम इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया, जैसा उन्होंने बोला था कि अभी हम बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे लेकिन रिप्रेजेंटेशन देने का बोला लेकिन कम जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे पाए। उसके बाद 1861 के अंदर जो है यहाँ पर आता है इट्स इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861। तभी जैसा अभी 1853 के एक्ट के अंदर जो है बोला गया कि ठीक है अभी ओपन कॉम्पिटिशन ओपन हो गया है, अभी ओपन कॉम्पिटिशन यहाँ पे किया जाएगा, तभी यहाँ पर अलग से सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया कि किस तरीके से सिविल सर्विस जो है उसको यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कानून यहाँ पर बनाया गया। तभी यहाँ पर जो एक अलग से शेड्यूल बनाया गया, अनुसूची बनाई गई, और अनुसूची के अंदर जो नाम थे वो उन्हीं पोस्ट के ऊपर जो है इंडियन को अपॉइंट किया जा सकता था, और उसके अलावा किसी इंडियन को उसके अंदर अपॉइंट नहीं किया सकता। उसके अलावा जो यूरोपियंस थे, अभी यूरोपियंस के लिए यहाँ पर रूल बनाया गया है कि कोई भी यूरोपियन अगर उसको किसी एक हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है तो कम से कम 7 साल भारत के अंदर रहना यहाँ पर जरूरी है, आफ्टर लिविंग 7 ईयर इन इंडिया वो भी किसी पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अपॉइंट उसको हायर पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। इस तरह से भारतीय का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर इसके अंदर दिया गया। उसका जो प्रिंसिपल पोस्ट थी, जो मेन पोस्ट थी, अभी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व की गई, जैसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर्स है, जो सेक्रेटरीज हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वहां पर जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पर पोस्ट के ऊपर रह सकते थे। तो इंडियन को जो है यहाँ पर एक लिस्ट दी गई, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इंडियन को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया। उसके बाद 1861 के अंदर एक और एक्ट आता है, इट्स नेम इज द इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861, जिसके अंदर जो हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया के अंदर यहाँ पर होता है। तभी जो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश की गई थी 1773 के अंदर कलकत्ता के अंदर, वो सिर्फ जो आपके जो कमर्शियल मैटर्स हैं उनको अभी यहाँ पर देख रही थी। उसके बाद कॉर्नवालिस कोर्ट वगैरह आया, तो उसके अंदर अलग अलग जो सदर दीवानी निजामत, सदर निजामत अदालत जो है
वो यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई। तो सदर दीवानी निजामत अदालत और सदर निजामत और दीवानी जो अदालत थी, बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसके पास ये पावर होता था, उसके टाइम पे उसके रूप में यहाँ पर वो जो काम यहाँ पर कर सकता था, ठीक है। मतलब कि पूरा उसका एक पूरा हायरार्की था, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल होती थी, वो यहाँ पर कोर्ट के रूप में भी यहाँ पर काम करती थी। दीवानी मतलब आपके जो नॉर्मल दीवानी मतलब इट्स कॉल्ड द जो आपके सिविल मैटर्स हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर कर सकता था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो दीवानी निजामत अदालत थी उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेट जो आपके इट्स कॉल्ड द जो आपके क्रिमिनल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई यहाँ पर इसके अंदर गवर्नर जनरल कर सकता था। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या किया है कि इन दोनों को यहाँ पर जो समाप्त कर दिया गया अभी, और उसके बाद जो हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया कि हाईकोर्ट होगी और हाईकोर्ट पूरा जो मैनेजमेंट है पूरा मैनेजमेंट हाईकोर्ट यहाँ पर चलाएगा, ठीक है। तो एक मिनट यार, ओके ठीक है। तभी यहाँ पर जो है वो पहला जो हाईकोर्ट है वो 1 जुलाई 1862 के अंदर यहाँ पर जो है वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, वैसे वॉइस तो ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट देखता हूँ मैं, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है कलकत्ता हाईकोर्ट जो है 1 जुलाई 1862 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई और यहाँ के जो पहले जो जज यहाँ पर बने हैं अब ठीक है वॉइस अब ठीक है वॉइस हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है फर्स्ट जो कोर्ट है अभी यहाँ पर जो जो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई और अभी यहाँ पर जो 1 जुलाई 1862 को और यहाँ पर जो पहले इसके जो जज बनते हैं जो सर बैनस पीकॉक जो है पहले जज यहाँ पर बनते हैं, उसका जो पहले जो इंडियन यहाँ पर जज बनते हैं जो शंभुनाथ पंडित, उनको पहला इंडियन जज यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है। तो अभी हाईकोर्ट यहाँ पर बना, उसके बाद 1862 के अंदर 14th of August 1862 को जो है यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। धीरे-धीरे हाईकोर्ट जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उसके बाद 1866 के अंदर जाके 1866 के अंदर जाके अभी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए यहाँ पर अलग से जो कलकत्ता हाईकोर्ट जो आगरा हाईकोर्ट है मतलब जो इलाहाबाद कलकत्ता हाईकोर्ट पहले आगरा के अंदर बनाया गया, बाद में उसको इलाहाबाद के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो है 1866 तक हम देखेंगे कि 4 हाईकोर्ट भारत के अंदर हो गए हैं, तो पूरे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेट जो जुडिशरी है जुडिशरी को यहाँ पर मैनेज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पर होती है 1862 एंड 1861 सब हमने देखा। अब आता है यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है कि 1905-1906 के आसपास आपको जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर स्वदेशी जो आंदोलन है स्वदेशी मूवमेंट वगैरह भारत के अंदर होता है और एक जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है यहाँ पर निकल के आती है और उसके कारण जो इंडियंस है वो इंडियंस जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी उनको चैलेंज करते हैं और ब्रिटिशर्स को चैलेंज करते हैं, उसके कारण जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यहाँ पर आता है। क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रही, तो ये जो एक्ट आता है उस एक्ट के अंदर जो है उन्होंने यहाँ पर जो उनका डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था वो यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और जो उसके साथ में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ यहाँ पर लगातार बढ़ रही थी कि अभी बहुत सारे जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंडिया के अंदर अभी यहाँ पर बन रहे थे, तो उनको यहाँ पर काउंटर करने के लिए यहाँ पर 1909 का जो एक्ट है वो यहाँ पर लाया गया। उसके अंदर बेसिकली इसको जो माले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, माले इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द मिंटो इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम या फिर वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, तभी इन्होंने यहाँ पर उसको माले मिंटो रिफॉर्म भी यहाँ पर कहा जाता है। अब इसके अंदर ने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले जो है इन्होंने जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स को यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। व्हाट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट मींस कि अभी यहाँ पर क्या होता है कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि अगर एक सीट है आपके एरिया के अंदर जो एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तभी इसके अंदर हम सभी लोग का है वो एससी एसटी ओबीसी किसी भी कास्ट का हो वो व्यक्ति जाके किसी भी धर्म का हो वो व्यक्ति जाके उस पोस्ट के ऊपर वोट देता है क्योंकि वो जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्व है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इट्स अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब क्या कि अभी एक सीट होगी यहाँ पर होगी वो मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट एक रिजर्व की गई और इस सीट के ऊपर जो है वो सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं वही यहाँ पर वोट डाल सकते थे, ठीक है, कोई हिंदू सीट के ऊपर वोट नहीं डाल सकता। उसके अलावा जो जनरल सीट थी सामान्य जो सीटें थी उनके कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह कोई भी जाके वोट यहाँ पर डाल सकता था। तो अभी बेसिकली यहाँ पर क्या क्यों किया गया, क्योंकि मुस्लिम को अलग से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ पर किया गया कि मुस्लिम को अलग से जो सीट है उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। उसका कांग्रेस ने शुरू के अंदर बहुत ज्यादा विरोध किया लेकिन उस समय तक जो मुस्लिम लीग है उसका एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, ये भी ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टैब्लिश वहाँ पे की गई थी। तभी यहाँ पर उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए यहाँ पर जो काउंसिल है
वो जो अलग से प्रोविजन है वो दिया गया है, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट यहाँ पर रिजर्व की जाएगी, ठीक है। तभी यहाँ पर जो मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे अभी उसको बढ़ा के 16 से बढ़ा के यहाँ पर 68 कर दिया गया, मतलब मेंबर्स जो है यहाँ पर बढ़ा दिए गए, ठीक है। उसके अंदर 36 जो मेंबर्स थे रिजर्व फॉर द, ये जो है वो ऑफिशियल मेंबर होंगे, मतलब जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर 36 होंगे, जबकि 32 जो है दे रिजर्व फॉर द नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब जो चुनाव द्वारा जो इलेक्ट किए जाएंगे वो सदस्य यहाँ पर ऐड किए गए। तो अभी आप देखोगे कि 36 तो ऑब्वियसली बिगर नंबर, तो अभी कोई भी एक्ट यहाँ पर अगर पास कराना है, कोई भी कानून यहाँ पर पारित कराना है, तो उसके लिए यहाँ 32 जो नंबर है वो कम है, यहाँ पर ऑफिशियल मेंबर जो है वो यहाँ पर ज्यादा रखे गए, ताकि जो ये 32 लोग हैं ये मिलकर अपने हिसाब से कोई कानून ना पास करा ले, उसके लिए अपना जो मेजोरिटी है अपना मेजोरिटी उन्होंने यहाँ पर ज्यादा रखा, ठीक है। ये 32 लोग थे, इसके अंदर से जो 5 है वो अभी उनको नॉमिनेट किया जाता था बाय द गवर्नर जनरल के द्वारा, उनको नियुक्त किया जाता था, बाकी जो 27 थे वो यहाँ पर इलेक्टेड थे। 27 के अंदर से भी 6 जो है वो हिंदू जमींदार थे, 5 मुस्लिम कम्युनिटी के थे, एक मुस्लिम जमींदार था, एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था, मतलब जो व्यापारी थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया, एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था, ठीक है। 13 जो मेंबर थे वो जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है प्रोविंसेस की उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा था, तो अभी यहाँ पर देखा गया कि इनडायरेक्ट तरीके से जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है, और पूरी तरह से अभी हिंदू जमींदार, मुस्लिम जमींदार, बिजनेसमैन और इस तरह से पूरी चीज को डिवाइड करके उन्होंने यहाँ पर जो कानून है यहाँ पर जो है उसका कानून का एक तरह से मजाक उड़ाया, और उस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर 1909 के एक्ट के अंदर यहाँ पर वो देते हैं। उसके बाद इस एक्ट के अंदर जो है 1909 के अंदर यहाँ पर नो प्रोविंशियल काउंसिल जो यहाँ पर बनाई जाती है, तभी भारत के अंदर टोटल नो काउंसिल हो जाती है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बिहार, असम, सेंट्रल प्रोविंस और बर्मा, इस तरीके से नो प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो बर्मा जो है वो 1835 के अंदर इंडिया के अंदर ऐड किया गया था, आफ्टर दैट टाइम अभी वो भारत का ही पार्ट यहाँ पर हुआ करता था, और उसके बाद इंडियंस को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने की बात भी यहाँ पर की गई कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दो काउंसिल होती थी, एक उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसके अंदर इंडियन वगैरह भी थे, मतलब ये था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये जो था ये गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो दो काउंसिल यहाँ पर थी। तो यहाँ पर पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, उन्होंने बोला था हम भारतीयों को प्रतिनिधित्व यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर सत्येंद्रनाथ मिश्रा जो सिन्हा जो है वो पहले मेंबर थे एज ए लॉ मेंबर वहाँ पर गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर, जो अभी 5 सदस्य वाली काउंसिल थी उसके अंदर यहाँ पर ऐड किए गए। उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अभी सेक्रेटरी की जो काउंसिल थी 15 सदस्य 15 मेंबर्स की जो मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर यहाँ पर दो इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, पहले थे केसी गुप्ता और दूसरे थे यहाँ पर सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया। बेसिकली यहाँ पर एक हिंदू को और एक मुस्लिम को यहाँ पर ऐड किया गया टू मेक द बैलेंस, बैलेंस यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मेंबर्स थे उनको यहाँ पर कुछ पावर दिए गए कि पहला पावर यहाँ पर ये था कि जो मेंबर्स हैं अभी यहाँ पर जो है वो जो अमेंडमेंट है किसी भी एक्ट के अंदर की, कोई भी एक्ट अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है तो उसके अंदर अमेंडमेंट यहाँ पर ला सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर आप देखेंगे कि सदस्य जो है वो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाते हैं, तो यहाँ पर अमेंडमेंट लाने का पावर जो है यहाँ पर उनको दिया गया। उसके साथ में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे सिर्फ उनका आंसर दिया जाता था, और अभी उनको यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आज के टाइम पे हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो पार्लियामेंट के अंदर पूछे जाते हैं कॉल्ड द स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, पता होगा उसके बारे में, ठीक है, ज्यादा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर थे वो स्टार्ट जो क्वेश्चन है अभी उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, उनका जो पूरा प्रश्न है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर अभी उन्होंने पूछा कि अभी सेंट्रल प्रोविंस के अंदर एजुकेशन का क्या लेवल है, तो उसके बारे में मेंबर ने बता दिया, फिर उनसे महिलाओं के अलग से क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं के एजुकेशन का क्या मैटर है या उनके अंदर क्या प्रोग्रेस है, तो ऐसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मेन प्रोविजन जो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर लाए गए, जैसे मुस्लिम के लिए अलग से सेपरेट रिजर्वेशन जो है यहाँ पर दिया गया, और उसके अंदर से मुस्लिम वोट कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। अभी चुनाव के अंदर वोट करने की कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ यहाँ पे योग्यताएं तय की गई कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम जो है 1500 रुपया उससे ज्यादा हो एनुअल इनकम, वही व्यक्ति यहाँ पर वोट डाल सकता है। आज के टाइम पे तो अमीर गरीब जो भी हो, एडल्ट सफेद है, कोई भी व्यक्ति जाके वोट डाल सकता है, लेकिन वहां पर यह तय किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर एनुअल इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर पावर दिया गया है कि वो वहां पर जाके वोट डाल सकता है। 1500 ज्यादा का वो एनुअल इनकम गेन करता है, या फिर जो 10,000 रुपए की इनकम का रेवेन्यू यहाँ पर पे करता है वो यहाँ पर वोट डाल सकता है। उसके बाद बंगाल के अंदर जो है जो जिनके पास राजा और नवाब का जो टाइटल है वही सिर्फ वोट देने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिटेड जो है यहाँ पर वोटिंग फ्रेंचाइजी यहाँ पर बनाई गई कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पर वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उसके अंदर जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स के लिए थोड़ा रूल यहाँ पर उन्होंने उनको डिक्लाइन करके रखा, उनको कम करके रखा कि अभी मुस्लिम जो है उनको जो वोटर्स है उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो योग्यता
आए हैं वो थोड़ी कम रखी गई कि अभी मुस्लिम को ठीक है अभी उनका एजुकेशन लेवल इतना नहीं है या उनका जो अर्निंग का लेवल है वो इतना नहीं है तो इसलिए जो है उनको जो उनका अर्निंग वगैरह है वो यहाँ पर कम रख के जो है उनको वोट देने का पावर दिया जाए। तो ये जो मेन प्रोविंस जो है वो यहाँ पर इसके अंदर 1809 के एक्ट के अंदर ये प्रोविंस यहाँ जो प्रोविजन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर जो है हम 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, उसका 1947 का आपका जो एक्ट है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है, असेंबली कैसे बनती है, क्या कब इलेक्शन होते हैं, कौन मेंबर्स थे, इलेक्शन का मेथड क्या था, और पूरी जो है ये बात अगले लेक्चर के अंदर विच विल बी हेल्ड ऑन आई थिंक इट्स ऑन द 25 को, 25 को वो लेक्चर होगा। अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना, तो इसका जो सेकंड पार्ट है अभी वो अगला जो होगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी वो वहाँ पर 25 तारीख को मैं लूंगा। तो उसके बाद 1919 से लेकर आगे का जो पूरा है, मतलब इससे लेकर 1919 के बाद का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है और वो सब कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो वो पूरा जो है उसके अंदर यहाँ पर हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑलरेडी 10 मिनट अबाउट द शेड्यूल, 10 मिनट हो चुका है और एंड आई गॉट द मैसेज कि अभी आपको लेक्चर बंद करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगला जो है अगले लेक्चर के अंदर जो है हम इसको कवर करेंगे। कल जो है आप रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा फॉर माई स्पेशल क्लास, जिसके अंदर जो है बेसिकली हम बात करेंगे आपके 1857 के रिवोल्ट की, 1857 की यहाँ पर क्रांति की। ठीक है, तो कल 12 से 1:30 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना। उसका जो क्लास होगा वो होगा 23 को और सुबह 11 से 12 के बीच में। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पर उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्पेशल क्लास मत छोड़ना क्योंकि आपका एग्जाम अभी आने वाला है, तो अभी 1.5 घंटे के अंदर जो कोई टॉपिक आपका है वो काफी चीजें रिवाइज हो जाती है फटाफट। तो अभी डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू एवरीवन। हाँ, पीडीएफ मैं अभी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, वो ग्रुप के अंदर आपको तुरंत यहां पर आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वो अभी इस ग्रुप का मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो प्लस कोर्स का तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आई विल डू दैट। ठीक है, तो इस प्रकार के वो दूसरे जो कोर्सेज के लिए जो है आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के प्लस टैब के अंदर जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही जल्दी जो मेरा एक नया प्लस कोर्स आने वाला है और उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको एथिक्स पेपर 4। ठीक है, तो आपका एमपीपीएससी का जो पेपर 4 है वो पेपर 4 पूरा उसके अंदर मैं कवर करूंगा। आपका पूरा जो एथिक्स है उसका, जो आपके थिंकर्स वगैरह हैं वो मैं उसके अंदर पूरा कवर करूंगा। तो वो कोर्स जल्द ही जो है वहां पर लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेक्चर, हैव अ गुड नाइट। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू एवरीवन। Whew.